जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD भर्ती 2018 के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ऑल इंडिया फाइनल मेरिट, सबसे स्टीक सर्वे, फाइनल कट ऑफ, सभी राज्यों की कट ऑफ एक साथ, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो कितने नंबर बढ़ेगी और मतलब कितने नंबर बढ़ने की चांसेस है, तो इस वीडियो में वो पूरी चर्चा होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको इस कट ऑफ के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो ये नहीं कि वीडियो स्किप करती, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करना। बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे कि सर एक वीडियो बनाओ कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने एक मर्ज कट ऑफ बनाई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि सभी स्टेट पे मतलब वेरी करेगी। बट ये है कि मतलब जो मैं स्टीक कट ऑफ बताऊंगा उसके रेंज में ही जो है वो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ दोस्तों, तो दिखाता हूँ मैं आपको एनालिसिस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख लो दोस्तों, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी टेंटेटिव, वो थी हमारी अभी तक प्रेजेंट एट प्रेजेंट में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 60,210 वैकेंसी, ठीक है। 60,210 वैकेंसीज में यहाँ पर आपको मार्क करूँगा, 60,210 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जो PET PST जो क्वालिफाइड हुए थे कैंडिडेट, वो हुए थे 175,370 कैंडिडेट जो है PET PST क्वालिफाइड हुए थे। तो दोस्तों, PT और PST के लिए जो बुलाए थे वो बुलाए थे 10 गुना, ठीक है, 1:10 में बुलाए थे, ठीक है, 10 गुना बुलाए थे। तो जो PT PST में क्वालिफाइड हुए वो 175,370 हुए। उसके बाद क्या हुआ आपको पता था कि जो DME के लिए कॉल हुई उसमें 1:3 में बुलाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 175,000 में से भी कम जब किए इन्होंने 3 गुना करने के लिए, तो 152,226 कैंडिडेट को DME के लिए बुलाया गया था, ठीक है, 1/3 यहाँ पर ये देख लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो DME अब्सेंट थे, हम DME अब्सेंट मान के चलें दोस्तों, तो DME अब्सेंट हम मान रहे हैं कि अप्रोक्स 12 से 15% जो थे DME अब्सेंट थे कैंडिडेट, ठीक है। तो हम 1,52,226 का 12% निकालते हैं, ठीक है, जो हम अब्सेंट का ले रहे हैं यहाँ पर, तो उनका परसेंटेज आते 18,267 नॉट प्रेजेंट इन DME, मतलब कि 18,267 जो कैंडिडेट थे वो DME में प्रेजेंट नहीं थे, अब्सेंट थे, ठीक है। अब DME फिट एक्सपेक्टेड, जो यहाँ पर DME फिट हैं, कितने हुए DME फिट एक्सपेक्टेड, हम मान के चल रहे थे कि बहुत सारे सेंटर की मतलब यही रिपोर्ट थी कि 40 से 45% मैक्सिमम फिट हुए, ठीक है। तो 40 से 45% जो मैक्सिमम फिट हुए हैं वो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है, 133,959 का हम 45% इससे निकालेंगे, सो 60,281 से। तो ये यहाँ पर देख लो, 133,959 से 60,281 जो हमारी वैकेंसीज हैं उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो RME अनफिट का डाटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये माइनस किया तो ये आ गया 73,678, मतलब 73,678 जो थे वो हमारे RME अनफिट कैंडिडेट थे, ठीक है, 73,678 यहाँ पर जो RME अनफिट थे। अब आगे हम बात करते हैं जो RME अपील जो एक्सेप्ट हुई वो कितनी हुई, वो भी हम यहाँ पर आपको डाटा बताने वाले हैं। RME जो अपील जो एक्सेप्ट हुई दोस्तों वो अब यहाँ पर 42,349 माइनस 45,000 समथिंग, इतना ही था डाटा। तो हम इसे जो हमारे यहाँ पर 73,678 जो थे वो RME मिला था जिनको, ठीक है, तो उसमें से हम 45,000 माइनस करेंगे तो 28,678 रिजेक्टेड कैंडिडेट सीधे सीधे यहाँ पर, जो 28,678 जो थे वो RME जो है उनकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों, RME अपील जो थी उनकी वो रिजेक्ट हो गई। तो अब आगे बात करते हैं हम, तो एज़ पर दी RME नाउ कंटिन्यू, ठीक है,
आर एम ई एबसेंट हम यहाँ पर मान के चलते हैं तकरीबन 10 से 12%, ठीक है, 10 से 12% यहाँ पर आर एम ई जो है एबसेंट मान के चलते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमम लिया दोस्तों हमें, ठीक है। तो 45,000 गुना 10% इसका कितना हुआ, 4,500 कैंडिडेट जो हुए वो आर एम ई में मान के चलो आप एबसेंट है। आर एम ई फिट एक्सपेक्टेड अनुमानित जो है आर एम ई फिट जो है वो 60% मान के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिट हो रहे हैं आपको पता ही है अभी, तो ये मतलब 60% फिट है आर एम ई मान के चलो आप, ठीक है। तो हम 40,500 का अब हम यहाँ पर 60% निकालेंगे तो कितना आया, 24,300। और हम 40,500 में से माइनस करते हैं तो आर एम ई अनफिट कितने हो गए, 16,200, 16,200 आर एम ई अनफिट हो गए दोस्तों, ठीक है, सीधे सीधे बाहर। और टोटल फिट कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर, जो टोटल फिट कैंडिडेट हैं हमारे पास वो थे, पहले जो डी एम ई ऑलरेडी फिट हो चुके थे वो थे आपके यहाँ पर 24,300 जो है वो हम इसे माइनस करेंगे दोस्तों, ठीक है, 24,300 जो कैंडिडेट हैं वो यानी कि आर एम ई फिट हैं, ठीक है, आर एम ई फिट, तो 16,200 जो हैं वो आर एम ई अनफिट हैं। तो हम इसमें से जो हमारे 60,281 जो कैंडिडेट फिट थे डी एम ई वाले पहले, उसमें से आर एम ई वाले फिट कैंडिडेट को प्लस करेंगे तो 84,581 कैंडिडेट जो थे हैं अभी हमारे मतलब अनुमानित तौर पे 84,581 कैंडिडेट जो हैं वो फिट बैठ रहे हैं इस भर्ती में, जबकि पोस्टें कितनी हैं, 60,210 पोस्टें हैं। तो मतलब ये कैंडिडेट अभी फिट मान के चले अनुमानित तौर पे है दोस्तों ये, ठीक है, अनुमानित तौर पर है ये। तो यहाँ पर देख लो आप, 60,210 वैकेंसीज हैं, राइट, 60,210 वैकेंसीज हैं और हमारे पास कैंडिडेट फिट कितने हैं, 84,581। अगर इनको आपस में हम माइनस करते हैं तो 24,371 कैंडिडेट जो है फिट कैंडिडेट, उनको फाइनल मेरिट में बाहर होना पड़ेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रेशो की बात करते हैं, कितना क्या क्या रेशो था वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं दोस्तों। जो रेशो रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग में पी टी पी एस टी के लिए जब इन्होंने बुलाया था स्टार्टिंग में, तो 1:10 में बुलाया था, ठीक है, 1:10 में। फिर डी एम ई के लिए कॉल हुई दोस्तों 1:3 में। अब जो फाइनल मेरिट है आपकी दोस्तों उसमें क्या बचा है आप ही सोचो, 2/3 का कंपटीशन बचा है, ठीक है, 2/3 का कंपटीशन, ठीक है। तो ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है, और जितने भी कैंडिडेट आप मतलब इन फाइनल मेरिट लिस्ट 2 कैंडिडेट सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 कैंडिडेट, ठीक है, 3 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है इन्होंने, राइट। तो कंपटीशन कहाँ, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरिट हाई जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियर एंड कट बता देना चाहता हूँ कि मेरिट हाई नहीं जाएगी 101%। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, अगर वैकेंसी ना भी बढ़ती है, वैसे तो वैकेंसी ना बढ़ने का 1% चांस है दोस्तों, ठीक है, अगर वैकेंसी ना भी बढ़ती है तो मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 मार्क्स बढ़ेंगे, 2, वो भी हाई से हाई स्टेट में, जिसमें जो वो आप सोचो कि उन्हीं 3 गुना में से कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन्हीं में से जो है वो आपके आर एम ई में रिजेक्ट हो गए कई कैंडिडेट, तो इसी 3 में से आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। तो मेरिट कहाँ से बढ़ेगी आप सोचो ना, 10 गुना में से 3 मार्क्स बढ़े थे मेरिट के, सोचो हर कैटेगरी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3, 10 गुना से 3 गुना करने पे 3 मार्क्स बढ़े थे। अब तो 3 में से 1 कैंडिडेट लेना है, उसमें से भी 1 कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी पहले ही बाहर हो जाएगा आर एम ई में, ठीक है, तो 2 में से 1 लेना है, अब कहीं कहीं तो बिल्कुल ही ऑन दी मार्क होगा, ठीक है। तो हो क्या लगता है आपको, मेरे ख्याल से 2 तो मैंने बहुत ही बता दी, अगर वैकेंसी बढ़ गई तो ये भी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, बढ़ेगी ही नहीं, किसी किसी स्टेट में बढ़ेगी,
तो बढ़ भी गई, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो जानकर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमें वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन मिलता है, आप ही हमारे मोटिवेशनल दोस्तों। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है कमेंट में, जो मर्ज़ी पूछ सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपको हर एक जो जानकारी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपके हर सवाल, किसी तरह का सवाल होगा उसका आंसर ज़रूर दिया करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अब मायूस ना हो कि मेरा नहीं होगा, मेरे कम मार्क्स हैं दोस्तों। लास्ट तक कुछ भी हो सकता है, अभी वैकेंसी बढ़ने के फुल और फुल चांसेस हैं, ठीक है। वैकेंसी बढ़ गई तो मेरिट का तो उठने का सवाल ही नहीं बनता है, 2 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं। पिछली भर्ती का ट्रेंड कुछ अलग था दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अलग थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इस भर्ती में अलग ट्रेंड है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें जो है नए तरीके से हुई इसमें, ठीक है। तो सोचो 10 गुना से 3 गुना करने के लिए इन्होंने 3 मार्क्स बढ़ाए थे, तो आप सोचो 2 में से 1 कैंडिडेट लेना इन्होंने, अगर वैकेंसी ना बढ़ी तो कितने मार्क्स बढ़ेगी आप सोचो यार। पढ़े लिखे हो आप सभी, ठीक है, इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान मत दो। 4 नंबर बढ़ जाएगी, 10 नंबर बढ़ जाएगी, 101%। इस वीडियो को आप ना सेव करके रख लेना बेशक, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, तभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।